आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक पहला अध्याय वचन 1 से 35। इसराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इसराइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेउर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरी शद्दे का पुत्र शलूमियेल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जबुलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र एलियाब, यूसुफ वंशियों में से ये हैं, अर्थात एप्रेम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलिशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामिन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबिदान, दान के गोत्र में से अम्मीशद्दे का पुत्र अहियेजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रान का पुत्र पगियेल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एलियासाब, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहिरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे ये ही हैं, और ये इसराइलियों के हजारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इसराइलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। इसराइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,000 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने की योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जबुलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और जबुलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रेम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और एप्रेम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए, और मनुष्य के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे।